BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपने इसका नाम सुना होगा। जो ये संस्था है ना, इसने इंजीनियरिंग डिप्लोमा और बीकॉम वालों के लिए ना बहुत सारी भर्ती निकाल दी, यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट के बहुत सारे पदों पर भर्ती निकल गई है और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो भी शुरू हो गया है। सो अगर आप भी बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि BEL से जुड़ जाए, इस PSU का हिस्सा बन जाए, तो शायद आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आपको ये तो पता होना ही चाहिए ना कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, और ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, नोटिफिकेशन पढ़ना होगा और नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सो क्या कहती है नोटिफिकेशन, आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कैसे होगा सिलेक्शन और साथ ही आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना जरूरी है, चलिए सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूं। आज बात हो रही है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भर्ती के बारे में। देखिए, जूनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के बहुत सारे पदों पर जो भर्ती निकली है ना, उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। वेबसाइट है BEL India.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको ना वहाँ पर होम पेज पर करियर का एक सेक्शन मिलेगा। करियर के सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास रिक्रूटमेंट की बहुत सारी लिस्ट खुल जाएगी। उसमें आप जो नॉन एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है उस पर जाइए और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन वाले पोर्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपसे आपकी कुछ जानकारियाँ पूछी जाएंगी, आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, आपको उसे फिल करना है और फिल करने के बाद उसे कर देना है सबमिट। ऐसे आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। अब आपको ये बता देते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी वाइज आपको कितनी देनी है, क्योंकि आपको पता है जब आप फॉर्म भरते हैं किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो फीस तो देनी ही है। सो जो आपकी फ़ीस है ना, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है और जो रिजर्व कैटेगरी उसके लिए 0। यानी कि SC ST या फिर जो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, फॉर्म भरते वक्त उनको कोई चार्ज नहीं देना है, बस अपनी डिटेल अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है उसकी भी जानकारी आपको दे देती हूँ। जो असिस्टेंट ट्रेनी है इंजीनियरिंग वाले, उनके पास 3 सालों का रिलेवेंट ब्रांच में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा जो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट, उनके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही 1 ईयर का जो अप्रेंटिसशिप वाला सर्टिफिकेट है ना, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट है, उस भर्ती के लिए आपके पास BCOM या फिर BBM का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात हो तो जो मैक्सिमम एज है ना तीनों पोस्ट के लिए, वो 28 साल रखी गई है। कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी उम्र सीमा में, वो आपको चेक कर लेना है। सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू तीनों आपको देने होंगे, बट हर पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो अलग अलग है। अब आप चेक कर लीजिए कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो बहुत अमेजिंग सी सैलरी है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग को सिलेक्शन के बाद 24,500 रुपये से 90,000 की सैलरी मिल सकती है। टेक्नीशियन सी को 21,500 से 82,000 रुपये सैलरी मिल सकती है। वहीं जो जूनियर असिस्टेंट वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें 21,500 से 82,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। यानी कि कैटेगरी वाइज सैलरीज भी डिवाइडेड हैं। आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म भरने से पहले एक बार उसे अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे, कोई शंका ना हो और आप बेझिझक अपना फॉर्म भर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट BEL वैकेंसी 2024। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।